अजीब है जो दूर है वो अक्सर दिखता करीब है, पर ये निगाहों का धोखा है, अभी संभल जाके मौका है। ये है मिस्टर भटनागर जो मुंबई के एक बड़ी कॉलेज में ग्रेजुएट हुए, लेकिन उन्हें कहीं अपनी शिक्षा के हिसाब से नौकरी नहीं मिली। आखिर में वो फिल्म कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिली, जहां 14 साल काम करने के बाद 5000 रुपया पगार मिलना शुरू हुआ। अब ये पगार में वो घर चलाएं, बीवी को संभालें कि अपने दो बच्चों की परवरिश करें, ऐसे ही जिंदगी जी रहे हैं। और ये है मिसेज गायत्री देवी, मिस्टर भटनागर की धर्मपत्नी। हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में ठाकुर की बेटी के हिसाब से बचपना गुजारा और जवानी में मुंबई आए, और मुंबई आते ही उनकी मुलाकात हो गई मिस्टर भटनागर से। अब पति का पगार है 5000 रुपया, दो बेटियां, घर का खर्च, राशन, कॉलेज की फीस, स्कूल की फीस और दूसरे खर्चे, ये सब के सामने उनके हाथ में आते हैं 5000, जो महीना शुरू होते ही खत्म हो जाता है। ये है ध्रुवी, मिस्टर भटनागर की बड़ी बेटी, जो कॉलेज में पढ़ती है। बहुत बड़े सपने देखे हैं उसने, लेकिन सपनों को सार्थक करने के लिए आमदनी था बाप का 5000 रुपया पगार। माँ बाप एक अलग शिक्षा देते हैं और कॉलेज के दोस्त अलग शिक्षा। किसका कहा माने ध्रुवी, और कॉलेज के दोस्तों से सुन सुन के वो वन वे में एंट्री ले लेती है। जहां दिल कहता है यू टर्न ले ले, लेकिन दिमाग में सोच है कि छोटी बहन को बहुत पढ़ाना है। लो कर लो बात, इनको कैसे भूल सकते हैं। यह है प्रिया, प्रिया जो अकेली है, उसकी स्टाइल निराली है, उसके ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला है, एक आजाद पंछी की तरह है। वो खुद तो वन वे में चली गई है और दूसरों को भी वन वे में और नो एंट्री में धकेल देती है।
जिसमें खास है उसकी कॉलेज की सहेली ध्रुवी, जिसे वो रोज एक नई बात सिखाती है और अपने बारे में, अपने स्टाइल के बारे में समझाकर उकसाती थी। भाभी जी, आप अकेली थोड़ी हैं, मिसेज गुप्ता भी बहुत टेढ़ी औरत है, मुझे उससे भी तो पैसे लेने हैं। अब मेरे पैसे दो, मुझे दूसरे घर भी जाना है। हाँ हाँ देती हूँ। ओ सुनो जी, अरे कब तक तैयार होते रहोगे, या धोबन पैसे के लिए आई है? अरे आ रहा हूँ, लो आ गया, बोलो क्या बात क्या है? अरे तीन बार पैसे मांग चुकी है, पैसे देने हैं धोबन को। समझ में नहीं आता, महीना खत्म होने से पहले पहले मेरी पूरी पगार छोटे मोटे खर्चों में घुस जाती है। कितने पैसे देने? 80 रुपए देने। देखो एक काम करो, मेरी जेब में 60 रुपया है, 20 रुपए डाल के इसको दे दो प्लीज। मैं डालूं? अरे किस किस में डालूं, किस किस के पैसे चुकता करूं? सुबह ही तो दूध वाले को निपटाया, राशन वाले को आधे पैसे देकर उधार में राशन भरवाया। 2 दिन हुए बड़ी की फीस देवे, छोटी की फीस देने का टाइम आ गया। ये तो शुक्र है कि तुम्हारी कंपनी के अन्ना ने मकान दे दिया है, वरना हमको रहने का किराया कहाँ से मिलता? अच्छा, चिंता मत करो, आज बॉस से बात करूंगा, कुछ एडवांस का जुगाड़ निकालूंगा। इतना गुस्सा मत किया कर, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा। अब मुझे दो, मैं निकलूं। हाँ हाँ दे रही हूँ, तेरे पैसे दे रही हूँ मैं। आप इतना संभल के जाना, ये ले तेरे पैसे। अब ये क्या, इसमें भी 10 रुपए कम? हाँ तो 10 रुपए अगली बार ले लेना। इस घर में कभी भी पूरे पैसे नहीं मिलते। अरे पैसे मिलते तो है, खाते तो नहीं हम तेरे पैसे। खा नहीं जाएंगे तेरे पैसे। माँ मैं कॉलेज जाऊँ? हाँ हाँ कॉलेज जा तू, मैंने धोबन को 10 रुपए इसलिए कम दिए ताकि तू कॉलेज जा सके। ये ले 10 रुपए, अब जा जल्दी जा, कॉलेज के लिए देर नहीं हो रही है। ठीक है माँ। हाय ए ध्रुवी, सुन। हाय प्रिया, कहाँ जा रही है? क्लास में। क्या कर रही हो? हाँ MTV कार्टून। ओह हाय। हाँ बोल, पहचान रही हूँ, बोल। मैंने कितनी बार समझाया तुम लोगों को कॉलेज के टाइम पे फोन नहीं करने का, समझ में नहीं आता क्या? देख मैं तुम लोगों की तरह बात नहीं करती, एकदम क्लियर कट बात करती हूँ। नहीं देख, तुम लोग मेरी नजर में एकदम मोबाइल फोन के सिम कार्ड की तरह हो, जब तक चले चलाया, बाद में फेंक दिया, समझ में आया? अबे फोन बंद कर। हाँ ठीक है, शाम को मिलते हैं। चल ठीक है, रखना यार, बाय। किसका फोन था प्रिया? बॉयफ्रेंड का, पता है बहुत बड़े बाप का बेटा है वो। कमाल है यार, तू रोज कपड़ों की तरह अपने बॉयफ्रेंड बदलती है, आखिर ये सब तो कैसे कर लेती है? अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए। ये जो तू देख रही है ना, ये कार, ये मोबाइल, ये अच्छे अच्छे कपड़े, ज्वेलरी, जूते, नाइट क्लब, डिस्क, ये सब ना घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते। पता है बाहर वाले तो हमें एंटरटेन भी करते हैं और हमारा खर्चा भी चलाते हैं, समझी? अरे वाह, ये सब तो कैसे कर लेती है? बस यार करना पड़ता है, तू नहीं समझेगी। क्या क्या करना पड़ता है? करना पड़ता है, देख ये सब बातें ना इतनी आसानी से तेरी समझ में नहीं आएगी। सोच, आज कंप्यूटर का जमाना है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई यार। और देख बताऊं तुझे एक बात, कल रात को ना मैं कंप्यूटर पे कुछ काम कर रही थी, काम में तो मन लगता नहीं, मैंने ब्लू फिल्म देखी, क्या सॉलिड फिल्म थी यार। आखिर उसमें से था क्या? यार पूछ मत, मुझे तो रात भर नींद नहीं आई, मैं तो सोई भी नहीं हूँ। जाती है वो सब कुछ जो शादी से पहले या किसी आदमी से सेक्स करने से पहले एक लड़की को मालूम नहीं होता, वो सब कुछ था उसमें। अब तो सोचना कि जो चीज कल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली है उसका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। ये सब करना पड़ता है? बहुत कुछ करना पड़ता है, तू नहीं समझ रही, देख मैं तुझे समझाती हूँ। जैसे कि अभी ये कार है ना, इसको ड्राइव करने के लिए ड्राइविंग सीखनी पड़ती है ना, ठीक उसी तरह क्या जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा वक्त निकाल के घर पे बैठ जा, कंप्यूटर ऑपरेट करना सीख ले, फिर देख सारी दुनिया तेरी मुट्ठी में होगी। लेकिन मेरे घर में कंप्यूटर नहीं है। क्या बात कर रही है? अरे आजकल तो झोपड़पट्टियों में कलर टीवी और कंप्यूटर चलते हुए नजर आते हैं, क्या तेरे माँ बाप तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्या यार तू नहीं समझेगी, छोड़। चल अच्छा चल, तू बाद में मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। बेटा आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो, नहीं समझ रहे आप? बेटा हम कंप्यूटर नहीं खरीद सकते। पापा प्लीज ना, मामा बोलो ना।
बेटा तू जानती है कि हम कितनी मुश्किल से इस घर का खर्चा चलाते हैं। हमारा बोझ हल्का करने के बजाय तू रोज एक नई फरमाइश लेकर चली आती है। बेटा ये कंप्यूटर शंप्यूटर बड़े लोगों के चोचले, इन्हें लेना हमारे बस की बात नहीं है। पापा लेकिन आप खरीद नहीं सकते तो इंस्टॉलमेंट में तो ले सकते हैं ना। लो तो क्या इंस्टॉलमेंट हमारे पड़ोसी खन्ना साहब देंगे? बेटा हम ही को इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी ना। लेकिन एक बात तो बता, ये कंप्यूटर तेरे दिमाग में आया कैसे है? पापा आज के दौर में कंप्यूटर हर घर में रहना बहुत जरूरी है। इससे हमें घर बैठे सारी दुनिया की मालूमात हो जाती है, पढ़ाई में भी बहुत मदद मिलती है और ट्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। पापा पता है गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों की भलाई के लिए कंप्यूटर खरीदता है। पापा प्लीज मान भी जाओ ना। समझाओ ना इसे। हाँ हाँ देख, हमारी भलाई इसी में है कि हम अपनी औकात में रहकर जीना सीखे। जितनी चादर होती है ना उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। बोली जितने चादर उतना पैर फैलाओ। तो मैं तुझे कैसे? बस कुछ भी नहीं, मैं जो तुम्हें कहती जाऊँ तुम उसे फॉलो करती जाओ और फिर देखो कि तुम कहाँ से कहाँ तक पहुँचती हो। अरे मेरी तरह ऐश करोगी। मुझे क्या करना पड़ेगा? बस कुछ नहीं, पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब? हाँ पार्ट टाइम जॉब। देख जब तेरे हाथ में थोड़े पैसे होंगे ना तो मुश्किल से मुश्किल काम भी खुद ब खुद आसान हो जाएंगे, सारे रास्ते तेरे खुल जाएंगे। वाह सच्ची? हाँ श्योर। हाँ तू एक काम कर, तू ना एक मसाज सेंटर में काम कर ले। मसाज सेंटर? ऑफ कोर्स। तुम्हें करना क्या है? बस मसाज कर और माल कमा। माल? वाह देखा कितना आसान है। अरे शुरू शुरू में मैंने भी ये किया था। मुझे देख डॉक्टर भरमार। यस। वाह एकदम परफेक्ट, क्रीम की तरह चिकना, पाउडर की तरह सॉफ्ट। इस काम में हाथों का जादू है, एक बार तुम जिसको छू लो वो बार बार आएगा जाएगा आएगा जाएगा। माल ही माल। मतलब कहना क्या चाहते हो? मालिश कराने के लिए इधर ज्यादा सोचने का नहीं, बस पाउडर लेके खाली हाथ घुमाने का। कस्टमर को पसंद आया तो जितनी टिप वो दे सके जितनी तुम ले सको। रही बात पगार की तो 2500 रुपया फिक्स। अंदर जाओ। अच्छा फिर क्या हुआ? हाय ध्रुवी बैठो। हाय गर्ल्स। जीतू भाई आ गए। अरे जीतू भाई कैसे हो? बस ठीक छो। बड़े दिनों बाद दिखे हो, पर आज किसको लेके जाना है? अरे तमें बद... अरे आपके सामने है ना जीतू भाई, लेके जाओ ना, नई नई है। वाओ ये तो चाल से चलने भाई। पाउडर लगा ली तू? अरे छोड़ सू छोड़ बास्टर्ड। क्या कह रही तू? अल्टर भी देख कर डर गई। अरे यार कमाल करती है तू भी। भगवान ने हम लोगों को एक ऐसी चीज दी है समझी बुद्धू, लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है पे एंड पार। कॉन्डम देना फास्ट। ये क्या है? कॉन्डम। इसका तो क्या करेगी, तेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। तू नहीं समझेगी। इसे क्यों रखा अपने साथ? अपने आप को बचाने के लिए समझी। खैर ये सब तेरी समझ में नहीं आएगा। एनीवे जब तुम्हें एक्सपीरियंस होगा ना तब ये चीजें खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। अब चले। हाँ। संभाल के ले जाना। हाँ? हाय मम्मा। अरे ये टिफिन किसके लिए पैक कर रही हो? अरे बेटा तेरे पापा का फोन आया था आज, उनका ओवर टाइम है। अच्छा हुआ तू आ गई। जा तू रहने दे, दीदी ले जाएगी। हाँ तू जाके पढ़। माँ मैं अपना होमवर्क कर लूँ। गुड गर्ल।
ये ले हाँ, और ध्यान से ले जाना हाँ, संभल के सब्जी ना गिर जाए। सर आप मेरी बात समझिए सर। अरे क्या रे तुम्हारे बात सुनो, तुम कितने देर से गलत बोल रहे तुम। अरे 30 and 34, 65 लिख के देखो तुम। नहीं सर, 30 और 34, 64 होता है सर। तो मेरे को गणित समझाएगा, मेरे को समझाएगा क्या गणित में क्या होता। तुम 9th क्लास में 4 बार फेल हुआ सिर्फ गणित की वजह से, कि जब तक गणित ठीक नहीं होगा आगे मैं 10th में नहीं जाएंगा। सर सर 64 होता है सर। 65 बोल रहा हूँ मैं, 65 होता ना। नहीं आप, अरे तुम इतना काय को बहस कर रहे हो, तुमको ये इतना बड़ा मशीन दिया है, तुम इसमें देखो तो, देखो 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 तो, देखिए सर 30, 34, 65 ये देखिए, ये क्या है, ये 64 होता है सर। 64 आया इसमें, ये मशीन गड़बड़ है, ठीक करो इसको, ठीक नहीं है सर। फाइल है सर। अरे फाइल अंदर रखने का, मेरे सर पे मारेंगे क्या, दिमाग कर रहे हो। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, पगार बढ़ा दीजिए सर। पगार तुम्हारा, पगार कम करूंगा, बढ़ाने का नहीं बेटा। ऐसे बेटा मैं क्या बोला, बेटा क्या बोला तुम इसको, बेटा मेरी बेटी है जी, तुम्हारा बेटा ये कितना खूबसूरत है, इतना अच्छा, तुम मेरे को बोला नहीं। अरे तुम्हारा पगार डबल कर दिए सर। मैं आपको क्यों बोलूंगा कि मेरी बेटी जवान हो गई सर। अरे बोलने कर, बोलने कर, मैं तुम्हारा बास, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारा देख रेख करने का जिम्मेदारी मेरा, बोलने का। देखो रे ये मुत्ते स्वामी का हाथ है, जिसके ऊपर पड़ जाता ना उसका बेड़ा। सर ये हाथ आप मेरे सर पे रख दीजिए। इधर टकले पे नहीं रे, इधर रहेंगे ना तो इसका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। कितना पढ़ाई किया? पढ़ाई तो कुछ ऐसा है कि ये, अरे तुम्हारा एजुकेशन नहीं पूछता रे माई, तुम्हारा बेटे का एजुकेशन। सर मैं FIBA पढ़ रही हूँ और जॉब भी करना चाहती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, देखो रे कितना इंटेलिजेंट है, कितना जोरदार तुम्हारी बेटी, ये पढ़ाई भी करेंगी और पार्ट टाइम जॉब भी करेंगी। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि मेरी पगार बढ़ा दीजिए, मेरी बेटी जवान हो गई। अरे मिलेंगे रे, तुम्हारा पगार डबल कर दिया, इसके आने के पहले ही एडवांस में बोल दिया मैं। तुमको पार्ट टाइम जॉब भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मेरा पीछे करने का फॉलो मी। पापा मैं जाऊं? हाँ बेटा जाओ, शायद कोई अच्छा मौका हो, फिर वो तुम्हारे पापा की तरह तो है। हे भगवान, अगर जो मौका दिया है तो हमें सफलता भी दे। मेरी छोटी सी पगार से घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है, मेरे बच्चे को भी नौकरी दे दे। फॉलो मी। Yes, sir. और क्या सर बोलते तुम, बाहर जगह बैठने का, शाहरुख खान का डेट लेने का, उधर ही वेट करने का। Okay, जाओ जाओ रे। Okay. वेलकम वेलकम वेलकम। जी सर। और क्या रे तुम, पर बाहर क्यों आ गए तुम, बाहर तुम जानो, उधर बाहर बैठो तुम। वेलकम वेलकम, यू वेलकम वेलकम, योर स्वीट नेम ध्रुवी। ध्रुवी वेरी गुड, वेरी स्वीट नेम, वेरी स्वीट नेम ध्रुवी। ध्रुवी बोले तो 24 कैरेट का सोना, परफेक्ट। ध्रुवी अपन का लाइफ में वाइफ बोले तो है, लेकिन प्राइवेट सेक्रेटरी बोले तो नहीं। वेरी सेट न, वेरी सेट। अपन का लाइफ में बहुत सारा लड़की आया गया, लेकिन कोई भी लड़की इधर हार्ट को टच नहीं किया। टच बोलता है बाय गॉड। लेकिन तुमको देखा ना, जैसे तुमको देखा ना मेरा दिल बोला तुम मेरा लाइफ में एकदम फिट। अभी बोल कि तुम पार्ट टाइम जॉब करेगा कि फुल टाइम। मैं कॉलेज के बाद जॉब करने के लिए तैयार हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। हम तुमको 5,000 रुपया सैलरी देंगे महीने का। 5,000 कम है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। जैसे जैसे एंगल से तुमको देखेगा तुम्हारा सैलरी कट कट बढ़ता जाएगा। तुम्हारा डैड को देखो, तुम्हारा डैडी के बाहर कैसा बैठा, 14 साल से बैठा हमारे लिए काम करता। अभी 2 साल पहले हम उसका तनख्वाह 5,000 रुपए किया, लेकिन तुम्हारे केस में ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा तो एक झटके में 20,000, 25,000, 30,000 हो जाएंगे। वैसे तो तुमको थोड़ा मुत्तू स्वामी स्टाइल में तुम्हारा और हमारा बीच में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, है ना। बोले तो तुम हमारा ख्याल करने का, हम तुम्हारा क्या करेंगे। यू नो दिस इज अ गिव एंड टेक, कुछ देंगे तो कुछ मिलेंगे ना। ठीक है अंकल, मैं कल जॉब पे आ जाऊंगी। अंकल काय को बोलता तुम्हें, ठीक है आने का, अंकल नहीं बनेगा, अंकल नहीं बनेगा। अपन तुम्हारा बॉस है जैसा, ऑफिस में आने का या कैबिन तुम्हारा,
हम भी तुम्हारा बॉस जैसा आने का आने का। थैंक यू अंकल। ध्रुवी 5,000 रुपए की नौकरी, वो भी शुरुआत में, किसी भाग्यवान को मिलती है? और मेरी बेटी बड़ी भाग्यवान है। जी पापा। अब मुझे देखो, 14 साल लग गए मुझको 5,000 रुपए की तनख्वाह तक पहुंचने के लिए। एक बात बोलूं? जी पापा। बड़ी ईमानदारी के साथ नौकरी करना, बड़ी मेहनत के साथ नौकरी करना, क्योंकि बच्चे ऐसी नौकरी बार बार नहीं मिलती। जी पापा। Hey, all the best. Thank you, पापा। All the best. सबका अपना अपना भाग्य है, कोई अपना भाग्य किसी के साथ बांट नहीं सकता। तेरा लाख लाख शुक्र है प्रभु। ये कुर्सी को मेरे सामने का, मेरे पास आने का, अच्छा दिखता तुम, बहुत अच्छा दिखता है। देखो तो कितना कितना अच्छा बॉडी बने। अच्छा दिखता, कितना स्ट्रांग बना है, वेरी वेरी स्ट्रांग। एक्सरसाइज करते क्या? नहीं सर। एक्सरसाइज करने का, बहुत एक्सरसाइज करने का, फिर और भी स्ट्रांग बनने का, तो और भी स्ट्रांग बनने के बाद मेरे साथ फाइट करने का, अच्छे से फाइट करने का। क्या हुआ अंकल? बहुत अच्छे लग रहे मेरे को, बहुत। बाप होके बेटे के साथ ऐसा करते हो रास्कल? क्या रहे तुम, सब गड़बड़ हो गया रे। ध्रुवी, ध्रुवी बेटा, इसके में फेल हो गया, क्या कर। भाइयो रामा, बाहर जाके बाप को बोलेंगा, इंसल्ट हो जाएगा, बाप को क्या समझेगा, क्या करेंगे? नाटक करने का, पानी डालेगा। पार्टी ना कर, आ रहा हूँ सर। ना कर, इधर आने कर, मेरे को दिमाग खराब। आ रहा हूँ सर। सर क्या हुआ सर? देखो तुम्हारा बेटी क्या किया, देखो तो, पानी गिरा दे, कीड़ा कर दिया। अरे दिन भर से, सुबह से मैं इधर बैठ के काम करते काम करते काम करते मेरा गला सूख गया। मैं पानी का प्यास लगा तो मैं बोला एक गिलास पानी देना, तो पानी लेके आया, मेरे मुंह पे नहीं डाला, पूरा का पूरा पाइल पे डाल दिया पानी। मैं थोड़ा सा उसको डांटा, थोड़ा सा उसको डांटा, वो गुस्से में भाग गया। वो ये क्या हालत कर दिया पाइल का, कैसा हो गया देखो तो, ये कौन कहेगा ये पाइल है बोले तो। सर पानी डाल नहीं दिया, पानी फेर दिया मेरी किस्मत पर इस लड़की ने। पानी फेर दिया, पानी डाल दिया, मेरे को क्या मतलब, मैं क्या करूंगा फाइल का बोले तो। किधर लेके जाएंगे मैं? I'm sorry sir। पानी फेर दिया, पानी फेर दिया, अच्छी खासी नौकरी पे पानी फेर दिया तुमने। कितनी बार तुझे समझाया था कि इस नौकरी को संभाल कर रखना, इसका ख्याल रखना, लेकिन तुम सोचा था घर के छोटे मोटे खर्चे तुम्हारी तनख्वाह से पूरे हो जाएंगे। छोटी की स्कूल की फीस, उसकी ट्यूशन की फीस, उसके यूनिफॉर्म, उसके तमाम छोटे मोटे खर्चे तुम्हारी तनख्वाह से पूरे होंगे, लेकिन तुमने सब नष्ट कर दिया, सब तबाह कर दिया। लेकिन वो पापा, तो दिल तो करता है कि दो चार थप्पड़ मारूं, सब बर्बाद कर दिया। एक बात बोलूं? देख ध्रुव, कौवे हर जगह काले ही होते हैं, कहां ढूंढेगी तू सफेद कौवा, बोल। हेलो, हाँ जुली बोल। हाँ यार मुझे याद है, हाँ मुझे याद है, पिकनिक पे जाना है यही ना। अच्छा सुन, सारी सेटिंग हो गई तेरी? हाँ हाँ, ध्रुवी को ले आऊंगी, ये भी आएगी साथ में। अच्छा ठीक है, हाँ तू चिंता मत कर, सब ठीक है। हाँ नहीं सब ठीक है। अच्छा सुन, सारी सेटिंग अच्छी तरह से हो गई ना? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ओके, फोन रख, बाय, सी यू। चल यार, किससे बात कर रही थी? जुली का फोन था। हाँ, तेरे 300 रुपए मैं भर दूंगी। तू क्यों भरेगी मेरे 300 रुपए? मैं अपने 300 रुपए खुद भरूंगी। तेरी मर्जी। पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? पैसे नहीं मिले ना तो घर की बिजली कट जाएगी, 3 महीने का बिल बताया है। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि
मैं अपने बॉस से चौथी बार एडवांस कैसे मांगू? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में। अब मैं पापा से 300 रुपए कैसे मांगू? बेटी तो आ गई, तूने सब कुछ सुन लिया। फिकर ना कर, तू फिकर ना कर, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पापा है ना, सब ठीक हो जाएगा। पापा, भगवान पे भरोसा रख। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही हो? कॉलेज की तरफ जा रही हूँ। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, चलिए छोड़ देता हूँ। वाओ, वेरी गुड, सेक्सी, लुकिंग गुड। कंपनी दोगे? पहले लिफ्ट देते हो और फिर कंपनी के लिए कहते हो, इससे अच्छा मैं उतर ही जाऊं। एक्सक्यूज मी, कंपनी मतलब एक कप चाय पीना है? सच्ची? या, और उसका मैं पैसा भी देता। ओके, गुड, चले। चलो। और क्या करती हो? तुम दोनों कौन यहाँ बैठे हो? कब से ढूंढ रही थी। ये लो तुम्हारे पैसे। पैसे? अरे वाह, तू तो बड़ी स्मार्ट निकली यार, इतनी जल्दी अपने बाप को पटा के पैसे भी ले लिए। ये पैसे थोड़े ना बाबूजी ने दिए हैं, ये मेरी पहली कमाई है। पहली कमाई? मैंने किसी को कंपनी दी। कंपनी दी है? क्या तू पागल हो गई है? अरे तू अभी लड़की है, तुझे तो इसके लाख डेढ़ लाख मिलने चाहिए थे। तू क्या समझती है, कंपनी मतलब मैंने उसके साथ एक कप चाय पी है। तुझे पैसे जो देने थे ना। ओ अच्छा, एक बात बता, तुझे और पैसे चाहिए? कैसे? चल मैं बताती हूँ, कम ऑन। हाँ, अरे चल तो सही। अरे मेरा बेल्ट। अरे तू खुद नहीं आई और मुझे कह रही है, जल्दी पहुँचना, पकड़ा हूँ अकेले मैं यहाँ। आजा फटाफट। ध्रुव, तू एक काम कर। क्या? तेरा जो ये हाथ है ना, अपने हाथ को टेबल पे जोर से मार। हाँ, ये लो। अब तू अपने हाथ को देख, कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ ना? कुछ भी नहीं बाबा। That's good। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। मैं एक मिनट में आती हूँ, ओके? Have a seat। How are you? First class। अच्छा, अब काम की बात सुन। बोलो। वो जो टेबल पे लड़की बैठी है ना, एकदम नई है। कॉलेज से पटाके लाई हूँ। किस करने के 1000 रुपए दे दो उसे। एक किस का 1000 रुपया? अरे एकदम नहीं है। ओके, डन, बाय। ध्रुव, वो आदमी दिख रहा है तुझे? कौन? अरे वही जो अकेले में बैठा है, काले शर्ट वाला। वो? उसका नाम राजेश है। पता है उसके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। अच्छा? तू एक काम कर, तुझे भी तो पैसों की जरूरत है ना। तू उसके पास जा, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक किस्त दे देना और तुम्हें एक किस्त के वो 1000 रुपए देगा। छी, किस करना है? नहीं चाहिए 1000 रुपए। बड़ा आया, किस करने का 1000 रुपए देने वाला। तू ना, तू नहीं सुधरेगी। मैं ये सब किसके लिए कर रही हूँ, तेरे लिए ना। अरे जाना यार। देख, अच्छा देख, तूने अपना हाथ टेबल पे मारा था ना, कुछ हुआ तेरे हाथ को? नहीं ना। नहीं कुछ नहीं, नहीं हुआ ना। एक किस दे देगी तो क्या हो जाएगा तेरा, 1000 रुपए तुझे मिलेंगे, क्या बुराई है? गो, इतने देर बैठेगा नहीं वो। गो फास्ट। जाऊं? 100%। अरे जाना यार, इतना टाइम नहीं है। सच्ची जाऊं? हाँ, अब उठ, अब मत पूछना, चल चल गो। जाती हूँ। गो। जाऊं? जाना। जाती हूँ। हाँ, अरे जाना यार। जाओ ना। गो। हाय। हाय। बैठो। सुकून से बैठो। क्या नाम है बताओ? ध्रुवी। ध्रुवी, बहुत प्यारा नाम है। और करो करो, शर्मानी क्या बात है।
शर्म आती है। यहाँ शर्म आती है? तो कहीं और चलें? वेरी गुड, चलो कम ऑन। आओ ले यू टर्न मार ले। आओ यू टर्न मार ले। आओ यू टर्न मार ले। ये जगह ठीक है? यहाँ कोई नहीं है। करो 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 करो। हाँ भाई करो। 1000 रुपए दोगे ना? जेंटलमैन प्रॉमिस। लाओ 1000 रुपए। क्या किया ये? किस किया ना? इसे किस कहती हो? हमें इतना ही आता है। अरे पागल, ये किस नहीं होती, ऐसे नहीं होती। तुम अब 1000 रुपए नहीं दोगे? अरे भाई इसे किस नहीं कहते हैं। तो फिर किसे कहते हैं? देखो है? मजा है ना, इसे कहते हैं किस। और ये मेरा प्रॉमिस, किस एंड प्रॉमिस 1000 रुपीज। ओके अच्छा याद आया, याद आया, ये रहा मेरा कार्ड। लाइफ में, जिंदगी में कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम हो, बंदे की जरूरत पड़े, बंदे को याद करना। इंसान को कभी कभी उजाले के लिए अंधेरे में भी भटकना पड़ता है। क्या मतलब? ये तुम नहीं समझोगे, नहीं समझोगे। 7000 रुपए की कंप्यूटर फीस कहाँ से आएंगे इतने पैसे? पैसे क्या पेड़ पे उगते? पहले तो बड़ी रोज रोज नई फरमाइशे लेके आ जाती थी, उसकी देखा देखी में तूने भी पैसे मांगने शुरू कर दिए। नहीं दूंगी पैसे, जा। माँ मैंने लाइट का बिल भर दिया। अरे बिल भरने के पैसे तेरे पास कहाँ से आए? माँ वो मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दिया और वहीं से मैंने एडवांस लेकर बिल भर दिया। दीदी मेरी कंप्यूटर फीस भरोगी ना? भर दोगी ना प्लीज दीदी? हेलो। ओ आप, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी आपका फोन आ जाएगा। मैं वहीं उसी होटल में वेट करूंगा। वेटर। यस सर। टकाटक कॉफी ले गया दोस्त, चल जल्दी। ओके सर। मैं नहीं मिल सकता यार, डोंट बोर मी, चलो। हाय। वाह आइए बैठिए बैठिए। वाह वाह वाह। महावीर एक मिल्क शेक ला स्ट्रॉबेरी मार के। यस सर। जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश। एक बात कहूं? कहो, दिल खोल के कहो, कोई शर्माने की जगह नहीं है, बोलो। लेकिन वो प्रिया। लेकिन वो प्रिया, अरे हर जगह प्रिया नहीं आएगी, तुम मैं सब कुछ ठीक है, बोलो क्या बात है? मेरी छोटी बहन है ना सोना, वो उसकी कंप्यूटर की फीस भरनी है। कितनी? तो आप मुझे 7000 रुपए देंगे? 7000 रुपए? वो आपने मुझे किस किया था और 1000 रुपए दिया था। हाँ याद है, किसका मैंने तुम्हें 1000 रुपए दिया था जी। तो आप साथ किस करके 7000 रुपए देंगे? साथ किसके 7000 रुपए? हलवा है क्या? आप नहीं देंगे। लिसन, उठो मत, जाओ मत यहाँ से। तुम्हारी बहन की फीस भी तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाएंगे। मैं तुम्हें 7 नहीं 10000 रुपए दूंगा। मैडम 10000? पूरे 10000 रुपए की बात है, बोलो मंजूर है? मेरी कंप्यूटर फीस भरोगी ना? आओ। अरे भाई शर्माना के साथ आ जाओ बस, शाबाश प्लीज कम। इसे अपना घर समझना है तुम्हें। फाइन फाइन फाइन, चलो। सर आप मुझे एडमिशन दे देंगे ना? पैसे मिल जाएंगे तो एडमिशन मिल जाएगा। दीदी शाम तक भर देगी। शाम को एडमिशन मिल जाएगा। थैंक यू सर। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा। पता है कि ध्रुवि ने छोटी की कंप्यूटर फीस भर दी है 7000 रुपए? तो कहीं हमारी बेटी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही? हमने उसे संस्कार तो बहुत अच्छे दिए हैं, तू ऐसा क्यों सोचती है?
सोचा सोचा देख ध्रुव, तेरी बहन की फीस तो तूने भर दी ना, और वैसे भी छोटे छोटे भाई बहनों के लिए हमेशा हम बड़ों को ही कुर्बानी देनी पड़ती है। तूने कोई गलत काम नहीं किया है। देख ध्रुव, कोई भी लड़की ना इस प्रोफेशन में जानबूझकर नहीं आती, समझी? लेकिन प्रिया, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब तू तेरा ये मिडिल क्लास ये जो है ना स्टाइल सब छोड़, और सुन काम की बात है। देख ये जो धंधा है ना इसमें बहुत स्टाइल में रहना है, स्टाइल बहुत जरूरी है, अच्छे कपड़े। आज शाम को तुझे मैं एक पार्टी में लेके जाऊंगी, पता है वहाँ पे अपने काम के लोग बहुत मिलेंगे, तुझे ऐसे थोड़ी ले जाऊंगी, एक अच्छी सी पार्टी वेयर आउटफिट दूंगी, मोबाइल दूंगी, अब तो खुश हो जा, चल। सर जी आपके पासपोर्ट पे अमेरिका, सिंगापुर, हांगकांग के सिक्के लगे हैं। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बहुत सही लग रही हो। हाँ थैंक्स। हाय। वाओ। हाउ आर यू? फाइन। फाइन फाइन। एंड हाउ आर यू? ओके। क्या चल रहा था? यूं ही आजकल की बातें। ओके, मैंने कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया? नॉट एट ऑल। ऑलराइट। बिल्कुल नहीं। वन सेकंड। ओके। जल्दी चल, बहुत जरूरी काम है। कमिंग। ये अरे चल तो सही। अरे मैं तुझे एक ऐसे लड़के से मिलवाने ले जा रही हूँ जो पैसे वाला है, बहुत पैसा है उसके पास। ऐसा वैसा नहीं है, पता है उसके आगे पीछे लड़कियाँ घूमती, किसी को घास भी नहीं डालता। कम ऑन, तुझे भी नहीं? वो सब छोड़। हाय राहुल। हाय प्रिया। मीट माय फ्रेंड ध्रुवी। हेलो। आई एम सॉरी। मीट माय फ्रेंड ध्रुव। हाय आई एम राहुल। Say hello. Hi. Nice meeting you. I'm sorry but मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। Actually ये तो हर कोई कहता है। But I'm a different kind of person. Anyway, please just excuse me. आदमी को इतना भी different नहीं होना चाहिए कि रात को दिन कहने लगे। वाह, अब जितनी खूबसूरत है उतनी intelligent भी, अच्छी शक्ल और अच्छी
हेलो कौन? ध्रुवी जी मैं केटली। पहचाना नहीं? अरे वो प्रिया जी ने पहचान कराई थी ना, वो क्या है कल किसी का टाइम लिया है, चाय जो पिलानी है। केटली जी जरूरी है क्या? मेरे घर में तो उजाला हो गया है, अब अंधेरे में भटकने से क्या फायदा? ये क्या अंधेरा उजाला बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? देखिए हम लोगों की भी इज्जत होती है इस धंधे में। हा? मैं प्रिया को बोल दूं क्या? सुनिए प्लीज, प्रिया को बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो वहाँ आएंगे ही ना। हाँ कल शाम को 4 बजे ब्लू मून होटल, बहुत बड़ा नेता है, अब हम सबकी इज्जत आपके हाथों में है, पहुँच जाना जरूर। हाँ भगवान कौन से रास्ते पर ले जा रहे हो? भाई बहुत बढ़िया है तेरी चाय की पत्तियाँ। अरे सर जी आसाम की चाय की पत्ती है, पहले खुशबू लीजिए फिर पीजिए। जी तेरा। सर जी वो काम खत्म होने के बाद पैसा दे देना और तुम ले लेना। हाँ दे देंगे दे देंगे। तो मैं चलूँ? नहीं बैठ, तू भी चाय पी के जाना है। अरे सर जी हम चाय पीते कहाँ, सिर्फ आप जैसे लोगों को चाय पिलाते हैं। जाना जी। बड़े बेशरम हो, तेरा चद्दर तोड़ा। अब लग रहा है चाय पी रहा हूँ। हेलो। बहुत पैसे छाप रही हो, नेता से मिलके आई हो, राजनीति में आने का इरादा है क्या? हेलो 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 कौन बोल रहा है? हेलो बास्टर्ड। अरे ध्रुवी जी क्या हो गया, क्या बात कर रहे हैं? मैं केटली बोल रहा हूँ। तुमने मेरा नंबर किसी को दिया था? नहीं तो क्या बात है? नहीं बात कुछ नहीं है। अच्छा पैसे मिल गए? हाँ मिल गए। जितनी चादर होती है ना उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। दीदी इसलिए मैं चाहती हूँ कंप्यूटर फ्रेश का काम की ना। ध्रुव कहाँ से कहाँ, ये जो धंधा है ना इसमें बहुत स्टाइल में रहना। अरे थोड़ी वर्जिन लड़की है, तुझे तो इसके लाख डेढ़ लाख मिलने चाहिए। तुम देखी क्या सॉलिड फिल्म थी यार। 10,000 रुपए दूंगा। मेरी कंप्यूटर फ्रेश भरोगी ना? हाँ हाँ तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। छोटे छोटे भाई बहनों के लिए हमेशा हम बड़ों को भी कुछ और पैसे चाहिए। मेरी खुशी कैसे है लेकिन मैं वही करूँगी जिससे मेरे परिवार को खुशी। हाँ ध्रुवी जी एक बिजनेसमैन को चाय पिलानी है। हाँ सेम होटल रूम नंबर 124 मिस्टर गुप्ता, 25,000 देगा। नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे किसी और को चाय पिलाने के लिए जाना पड़ेगा। मिस ध्रुवी। यस प्लीज कम इन। आप काफी थकी हुई लगती हैं। हाँ वो मैं जरा ट्रैफिक में फंस गई थी, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। प्लीज बाथरूम उस तरफ है। ओके। हाँ पहुंच गई है, मैं बाद में बात करता हूँ। कम बेबी कम। हेलो
Shut up, bastard, rascal. किसी का मैसेज आया तो मुझे बताना, मैं जिम में हूँ। मैडम आपका फोन आया था। किसका? मैंने पूछा था, उसने बताया नहीं, सिर्फ इतना बोला कि वो जानती है और हंसते हुए फोन कट कर दिया। बास्टर्ड। हेलो, क्या क्या चाहिए तुम्हें? आहिस्ता बोलो, सब लोग सुन रहे होंगे, क्या इरादा है? तू सामने तो, सबसे पहले तुझे मारूंगी मैं, डरपोक कहीं का। कैसे मारोगी, पहचानोगी तब ना। हेलो हेलो, यू शट अप यू बास्टर्ड। व्हाई शी इज नॉट टेकिंग माय कॉल? अरे राहुल का फोन था। हेलो राहुल, सॉरी मैं जरा एक्सरसाइज कर रही थी, बोलो क्या बात है? हाँ हाँ जरूर, व्हाई नॉट, डेफिनेटली बोलो, कहाँ आना है? समुद्र के किनारे। ओके आई एम रीचिंग। पार्टी में देखा है, मुझे अच्छी लगने लगी तो इसलिए बुला लिया। आई मीन एक्चुअली आई रियली लाइक यू। देखिए किसी के बारे में जाने बगैर इतना बड़ा डिसीजन नहीं लिया जाता। मतलब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ राहुल, मुझे जिंदगी में कई समझौते करने पड़ते हैं और तुम तो समझते हो कि जिस लड़की को समझौते करने पड़ते हैं तो उसे क्या क्या करना पड़ता है। Not your cup of tea, Rahul. ये सब बातें मेरे लिए मायने नहीं रखती। खैर छोड़ो, कल हम लोग साथ में डिनर करते हैं। तू मेरे घर आओगी ना? Are you sure? हाँ, क्यों नहीं? मैं आऊंगी। Okay. कहाँ थी तू अब तक? मैं राहुल से मिलने गई थी। राहुल से? हाँ, वो मुझसे प्यार करने लगा है। क्या? वो तुझसे सचमुच प्यार करने लगा है? अगर ऐसी बात है तो देख, तू उसे अपने बारे में कुछ मत बताना वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। मेरी बात मान ध्रुव। लेकिन मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। क्या? हाँ। ये क्या किया तूने? तूने सब कुछ उसको बता दिया फिर भी वो तुझसे प्यार करता है? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। आई कांट बिलीव इट, यू आर लकी। ये तो चमत्कार हो गया। लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती है लेकिन वो किसी को घास भी नहीं डालता। अरे बहुत शरीफ लड़का है वो। हाँ, लेकिन तुमने उसे कौन सी गोली खिला दी जो तेरे प्यार के जाल में फंस गया? हाँ? कल मैं उसके घर जा रही हूँ। जो भी हो, अब तुम उसे अपने हाथ से मत जाने दो, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते, समझ रही है तू? हाँ। अच्छी बात, कल तू उसके घर जा रही है ना? घर जाकर उसे बोतल में उतार कर ढक्कन बंद कर देना। रामू काका। ये रामू काका भी ना। आप प्लीज कम इन। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप सारी रात सोई नहीं। लगता है आप भी नहीं सोए। Being a girl, मुझे कन्फेस करने में कोई शर्म नहीं। कल रात भर मैं भी नहीं सोई। Please sit. Thanks.
ये छोटी सी चीज कैसी है राहुल, कभी ये पागल कभी ये बेचैन कर देती है। मैं कुछ समझा नहीं। जब से पार्टी में तुम मिले मैं बेचैन हो गई हूँ राहुल। I swear. मुझे लगता है तुम सचमुच पागल हो गई हो। पागल दिल ये बेचैन है, जब से मिले तुम सीनन है। पागल दिल ये बेचैन है, जब से मिले तुम सीनन है। रातों को नींद आती नहीं, तबीयत भी चैन पाती नहीं। बेचैन है, जब से मिले तुम सीनन है। रातों को नींद आती नहीं, तबीयत भी चैन पाती नहीं। बोलो ना हम क्या करें, पागल दिल ये बेचैन है, जब से मिले तुम सीनन है। जब ये हवा चूमे बदन, तन मन मेरा जलने लगे। धक धक करे दिल ये मेरा, अंग अंग मेरा पिघलने लगे। अंग अंग मेरा पिघलने लगे। आ जा तेरा ही इंतजार है, बेकरार है। रातों को नींद आती नहीं, तबीयत भी चैन पाती नहीं। बोलो ना हम क्या करें, पागल दिल ये बेचैन है, जब से मिले तुम सीनन है। करता हूँ मैं भी तुमसे प्यार, थोड़ा करो सनम इंतजार। छोड़ो भी तुम दीवानापन, कर लो मेरा तुम एतबार। कर लो मेरा तुम एतबार। तुम ओ क्षमा अरे परवाना, मैं तुम्हारी अदाओं का दीवाना। मैं रातों को नींद आती नहीं, तबीयत भी चैन पाती नहीं। आओ ना हम कुछ करें, पागल दिल ये बेचैन है, जब से मिले तुम सीनन है। ध्रुवी ये क्या कर रही है, राहुल के प्यार में इतना खो गई है? क्या तेरा प्यार उस फासले को मिटा सकता है
क्योंकि तू जिस रास्ते पर चल रही है वहां से वापस आने का कोई यूटर्न नहीं है। जिंदगी में वो आदमी बहुत खुशनसीब होता है जिसे कोई प्यार करता है। ध्रुवी, तुम मुझसे प्यार करती हो? राहुल, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, तुम्हें प्यार के अलावा कुछ और नजर आता है? दूर दूर तक तो कुछ नजर नहीं आता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारा प्यार पाने के लिए तुम्हारा कीमती वक्त ले रहा हूँ, जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। वाकई तुम मेरे वक्त के अलावा मेरा सब कुछ मुझसे छीन रहे हो, मेरी रातों की नींद, मेरे दिन का चैन, मेरा सब कुछ। मेरा ये मतलब नहीं था, आई मीन टू से लाइक। प्लीज राहुल, अभी तो मुझे प्यार हुआ, मुझे उसका एहसास तो होने दो। ये आइटम, उस दिन तो अधूरा छोड़ के चली गई थी, आज पूरा कर दिया क्या? अरे साले किसको बता रहे? तू उसका बढ़वा है। अरे देखो ना, थोड़ा नहीं था। नहीं तो नहीं पाइए, तुम्हारा हाथ से जोड़ के निकला। क्या कर तू? तुम्हें छोड़ भाई, लफड़ा काय बोलता साहब, वो आदमी से छेड़ रहा था। काय भयंकर काय काय चल रही थे? ये पोलगी इसको पहचानती है क्या? धंधा करती है क्या? ये लो देखो। क्या है इसमें? मैं जानता हूँ, आज सुबह तुमने 20,000 की ऑफर ठुकराई थी। मतलब कम अगेन? क्या क्या है इसमें? इसमें वही 20,000 है जो सुबह तुमने गवाए थे। क्या सुबह का ऑफर तुम्हें मालूम था? हाँ, वो ऑफर मैंने करवाई थी। एक्चुअली मैं देखना चाहता था कि क्या देखना चाहते थे तुम? कि मैं धंधे को इम्पोर्टेंस देती हूँ या प्यार को? देख लिया राहुल मैंने तुम्हें। ध्रुवी, मुझे जानकर बड़ी खुशी है कि तुम पैसे से ज्यादा प्यार को इम्पोर्टेंस देती हो। तो मेरी परीक्षा ले रहे थे जब मैंने तुम्हें पहले ही दिन अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, फिर भी विश्वास नहीं था मुझ पर? ध्रुवी, लेकिन मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना है मुझे राहुल, देख लिया मैंने तुम पैसे वालों को, सब ऐसे ही होते हैं। लोग पैसा देकर मेरा बदन नोचते हैं, अब तुमने मेरा दिल नोचा है राहुल। आई हेट यू राहुल। ध्रुवी, लेकिन कुछ नहीं सुनना मुझे, मैं जानती हूँ तुम पैसे वालों को, ना मुझे तुम चाहिए ना तुम्हारा पैसा, सब कौए काले ही होते हैं। ध्रुवी, लेकिन ए चलना, छोड़ मुझे तू, मुझे बहुत काम है, तेरे जैसी निठल्ली नहीं हूँ मैं। क्या काम है? चल, बच्चे भी सो रहे हैं। यही काम है जिंदगी भर? अरे 4 साल में 3 बच्चे पैदा कर दिए तूने, इससे अच्छा तो मेरी जान ले ले। अरे खुद तो खाने को है नहीं कुछ, उनको क्या खिलाएगा तू? इससे अच्छा तो मार डाल मुझे। जबान चलाती है। दिल का आईना टूट गया, क्यों मुझसे नसीबा रूठ गया, क्यों मुझसे नसीबा रूठ गया।
मुझसे नसीबा रूठ गया, मेरा प्यार मुझसे जुदा केटली। दुबई रिटर्न पार्टी है, एक मीटिंग का 30,000 देगा। मैं नहीं आ सकती। अरे सुनो मैडम, पार्टी तगड़ी है, पेमेंट बढ़ भी सकता है। भाड़ में गई तुम्हारी पार्टी, कहा ना मैं नहीं आ सकती हूँ। धंधा करना चाहती है या घर पे बैठना चाहती है? ध्रुव तेरे लिए एक बहुत अच्छी खबर है, तेरे लिए 1,00,000 रुपए का ऑफर है। प्लीज भैया मैं नहीं आ सकती, मेरा मूड खराब है। क्यों? देख सोच ले, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मैंने सोच समझ कर ही फैसला किया है। एंड प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट फोर्स मी। फक यू। क्या बोलती है? पता नहीं क्या बात है, उसने ना कह दिया। ना कहती तो ना सही, आज हम इससे काम चला लेंगे। पब्लिक प्लेस। ओके ओके ठीक है। मुझे कितना दोगे? तुम्हें मैं 40 दे दूंगा। उसको 1,00,000 और मुझे 40? अरे भाई तुम पुराने खेत की मूली हो ना। तो क्या हुआ, ओल्ड इज गोल्ड।
ओके, तो इस गोल्ड के लिए 20 और बना देते हैं। 20 नहीं, 30। 30, ओके। अरे मेरी गोल्ड। अरे छोड़ मुझे, छोड़। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? अरे 70,000 रुपए दिए मैंने भाई। अरे मेरी जान। माय गॉड। हम क्या कर रही तू? हाँ? मुझे क्यों गर्म कर रहा है? खुद को करना। अरे तो कैसी बात कर रही है तू? उठा के चले आते हैं। ये ले, पकड़ अपने पैसे। बाद में ये मत कहना कि खाया पिया कुछ भी नहीं और ग्लास थोड़ा बाहर आना, समझे? अब समझ में आया मुझे कि तुम लोगों की बीवियां बाहर क्यों जाती है। अरे तो तुझे क्या मतलब है? हाँ? मेरी बीवी से तुझे क्या मतलब है? पैसे ले, अपना काम कर। ये ले, मेरी तरफ से ले। ये ले 5,000 रुपए और ले, डॉक्टर के पास जाके इलाज करवा लेना। ये ले। अरे पागल हो गई है कि तू? हाँ? मैं क्या करूँ यार, रूबी मेरा फोन ही नहीं उठा रही है, बार बार फोन काट रही है। तो तू उससे मिल ले ना। लगता है वो ही करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं ध्रुवी को मिलने जाता हूँ। ठीक है। ध्रुवी। और तेरे कंप्यूटर की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। तेरी दीदी ने कितनी मेहनत करके 7,000 रुपए भरे हैं। घर पर तो रहती नहीं तेरी दीदी, दिन रात काम में लगी रहती है, ना खाने की फिक्र ना सोने की चिंता। पता है क्या कहती है कि मैं अपनी छोटी बहन को बहुत बड़ा बनाऊंगी पढ़ा लिखा कर। बेचारी, देखा तूने अपनी दीदी को, इतनी छोटी उम्र में सारे घर का बोझ उठाती है। हाय हाय। माँ, कोई आया है? हाँ? आप कौन? जी मैं राहुल, ध्रुवी मेरी ही ऑफिस में काम करती है। अरे आप ही हैं? अरे तो आप उसके मालिक हैं? आपकी बहुत तारीफ करती हूँ, आप तो हमारे लिए भगवान हैं। आपकी वजह से हमारे घर में खुशहाली आई है। जी मुझे ध्रुवी से मिलना था। अब वो तो घर पे नहीं है, अपनी फ्रेंड प्रिया के घर गई है। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे, कुछ चाय कुछ तो लीजिए। नहीं ठीक है माँ जी, कभी दोबारा। अच्छा, थैंक यू। नमस्ते। हाय प्रिया, राहुल ही है। हाय राहुल। प्रिया, मैं ध्रुवी को फोन कर रहा हूँ, वो मेरा फोन काट रही है, मुझसे बात ही नहीं कर रही है। एक्चुअली हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और मैं चाहता हूँ कि क्लियर हो। आई नो राहुल, तुम दोनों के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तुम एक काम करो, यहाँ आ जाओ, आई विल गिव यू सरप्राइज। कहाँ पे? अरे वही जहाँ हम लोग डेली बैठते हैं। या ओके, या आई विल बी देयर वेरी सून। ओके बाय, टेक केयर। लुक ध्रुवी, इतनी छोटी सी बात को इतना सीरियसली मत लो। देखो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, राहुल ऐसा लड़का नहीं है, और तुम जरा समझने की कोशिश करो। हाय प्रिया। हाय राहुल। अरे तुमने मुझे बताया नहीं कि ये ड्रेस मुझ पर कैसा लग रहा है? मैंने तेरी बताई हुई दुकान से खरीदा था। डोंट ट्राई टू चेंज द टॉपिक। देख ध्रुव, तू ड्रेस बहुत खरीद लेगी, बहुत सारा, लेकिन तुझे ना राहुल जैसा लड़का दोबारा नहीं मिलेगा, समझी? आजकल तेरे मैचिंग सेंस को क्या हो गया, कभी भी कुछ भी पहनकर चली आती है। रूबी मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना। प्रिया पता है क्या हुआ? लुक ध्रुवी, मैं तुमसे कल वहीं मिलूंगा जहाँ पे हम हमेशा मिलते हैं। ओके राहुल, राहुल। ऑफिस फोन लगाती हूँ। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ खन्ना हाउस मैम। यस मैम, मे आई हेल्प यू? राहुल साहब हैं? जी नहीं मैडम, आज तो राहुल सर ऑफिस से नहीं आए। तो
ओके मैम, थैंक यू। राहुल साहब हैं क्या? बिटिया, राहुल बाबा तो सुबह 4 बजे ही घर से चले गए। ओ शिट, राहुल 4 बजे गया हुआ है मुझसे मिलने के लिए। ओ माय गॉड। यहाँ हूँ। राहुल, ये क्या हालत बना रखी है राहुल? और सुबह इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि मैंने तुमसे ये क्लियर नहीं किया था कि मैं तुम्हें सुबह के 6 बजे मिलूंगा या शाम के, और मैं नहीं चाहता था कि तुम यहाँ पर आकर चली जाओ, बस इसलिए सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे नहीं मालूम था राहुल कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, और मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसा प्यार करने वाला मिला। आई लव यू राहुल, आई रियली लव यू, आई लव यू राहुल, आई लव यू टू, आई लव यू। ये क्या कर रही हो? ये सब अभी नहीं, शादी के बाद। Would you like to get married to me? क्या? तुम उसे सच में शादी करोगे? हाँ। I can't believe this, राहुल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस रास्ते में मैं चल पड़ी हूँ उसका यूटर्न मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगा। और राहुल, तुम जैसा लड़का जिसकी जिंदगी में आएगा वो कभी रास्ता भटक नहीं सकता। तुम लड़कियां अपनी बेवजह जरूरतों के वजह से रास्ता भटकती हो। अगर तुम लोग अपनी जरूरतों को काबू में कर लो तो ना ही यूटर्न की ना ही वन वे की जरूरत होगी, समझे? आई लव यू टू, आई लव यू राहुल। हेलो हेलो यू बास्टर्ड, कौन हो तुम? सामने आओ। ये नंबर अभी पता लगाती हूँ। ये नंबर 5608-5109। हेलो हेलो, ये किसका नंबर है? ये 7 बंगला के पास पीसीओ का नंबर है। 7 बंगलों में कहाँ? वो सिग्नेचर होटल है ना, उसके बाजू में मेडिकल स्टोर है, उसके पास वाला। ओके थैंक यू, चलो 7 बंगलो चलो। बस बस यहीं पर रुको। हाँ। ये लो। ओके बाय। एक्सक्यूज मी। यस। देखिए आप मुझे बता सकते हैं कुछ देर पहले मुझे यहाँ से किसी ने फोन किया था? मैडम जी मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं एक अंधा हूँ। यहाँ जो भी आता है फोन करता है, 1 रुपया रख कर चला जाता है। आप किसकी तलाश कर रहे हैं मुझे क्या पता? एक्सक्यूज मी। यस। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ हूँ। आपका नाम ध्रुवी है? हाँ मेरा नाम ध्रुवी है। आपके लिए फोन। मेरा फोन यहाँ? यस। आज गई? सुनो, ये जो सामने अंधा बैठा है इसे अपना 2 बार नाम बताओ, ध्रुवी ध्रुवी, ये तुम्हें एक पार्सल देगा, वो पार्सल घर पे जाके खोलना, अकेले बाय। हेलो हेलो हेलो, लगता है फोन कट गया। ध्रुवी ध्रुवी
जस्ट ए मिनट, एक मिनट, कहाँ गया? ये रखिए, ये पार्सल है, एक आदमी दे गया था, उसने कहा था जो दो बार ध्रुवी कहे उसको दे देना। वो कैसा दिखता था? मैडम जी, मुझे बार बार ऊपर वाले के दिए हुए शराब की याद दिलाकर क्यों दुखी कर रही हैं? मुझे तो ये भी नहीं पता आप कैसी दिख रही हैं। Shut up, bullshit. You can hit. फोन क्यों नहीं उठा रही है ये? पता नहीं कहाँ है प्रिया। फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहाँ बिजी हो गई है? प्रॉब्लम हो गई। हेलो ध्रुवी, अरे मैंने 7 मिस्ड कॉल देखे, ऐसी क्या अर्जेंट बात है? बहुत जरूरी है, अब तो फोन नहीं उठा रही थी, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया अचानक? अच्छा एक काम करो,
मैं अभी घर पे ही हूँ, तुम यहीं आ जाओ, फास्ट, कम फास्ट। प्लीज तो कहीं जाना मत, मैं अभी आ रही हूँ, इमीडिएटली, ओके? ऑल राइट, कम सून। जान के लाले पड़े हैं और तुझे सेक्सी की पड़ी है, मालूम है वो ब्लैकमेलर है। आखिर तुमसे चाहता क्या है वो? पता नहीं, कुछ बोले तो मालूम पड़े। मामला बहुत गड़बड़ है। अच्छा एक बात बता, ये सीडी तुझे दी किसने? क्या प्लान के साथ दिया? फोन पे बताता है कि पीसीओ वाले से ले लो, और मजे की बात पता है, पीसीओ वाला अंधा था। फिर क्या, डर के मारे सीधा तुझे ही फोन किया। अब क्या होगा? पता नहीं। देखो किसका फोन है। हाँ हेलो। क्या सेक्सी लग रही है, इसकी एक कॉपी मेरे पास भी है मैडम, वो तो राहुल को भेज दूँ। अरे इस सबूत के साथ तो पुलिस आराम से वेश्यावृत्ति का केस बना देगी। बेचारा राहुल एक वेश्या से प्रेम करेगा। शट अप रास्कल यू बास्टर्ड, क्या क्या चाहिए तुम्हें? देखो देखो राहुल को। अब आ रहे ना उठ पहाड़ के नीचे। देखो तुम चाहती हो कि राहुल को पता ना चले और ये केस ना बने, तो कल शाम 7 बजे होटल एवरग्रीन में रूम नंबर 225 में 5 लाख रुपए लेकर पहुंच जाना। मैं टाइम का बहुत पक्का हूँ, टाइम पे आना। हेलो हेलो हेलो, सुनो क्या हुआ, किसका फोन था, तू इतने टेंशन में क्यों है? बास्टर्ड। रुबी सुन, कहाँ जा रही है? लीव मी अलोन। Getting late. Have to get ready. मैं 2 दिन में आके आपको सीडी दूसरा देता हूँ और आपको मिलता हूँ। माँ ये आदमी कौन था? पता नहीं बेटा, ये मशीन देकर गया और ये बोल गया कि 2 दिन के बाद सीडी देकर जाएगा। मशीन देके गया, 2 दिन के बाद सीडी दे जाएगा। अरे इस सबूत के साथ तो पुलिस आराम से वेश्यावृत्ति का केस बना देगी। अरे इस सबूत के साथ तो पुलिस आराम से वेश्यावृत्ति का केस बना देगी। माँ मैं 2 मिनट में आती हूँ। हेलो राहुल। हाँ ध्रुवी, मैं तुमसे अर्जेंट मिलना चाहती हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। मैं आकर जल्दी आकर बताती हूँ। ओके बाय। कल शाम होटल एवरग्रीन रूम नंबर 225 5 लाख रुपए। यू डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ इट। तुम वहाँ जाओ और कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे फोन करना। राहुल प्लीज तुम मेरे टच में रहना। कल शाम 7 बजे होटल एवरग्रीन में रूम नंबर 225 में 5 लाख रुपए लेके पहुंच जाना। मैं टाइम का बहुत अकाउंट बैंक पे आना। तुम? अच्छा तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। कैसे इंसान हो तुम राजेश, कैसे इंसान हो तुम? तुम मेरी बेबसी और मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। कितने कमीने इंसान हो तुम, एक औरत की मजबूरी से खेल रहे हो और आज मुझसे 5 लाख रुपया मांग रहे हो। भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा राजेश।
खेले हो तुम मेरी जज्बात से, मेरी इज्जत से। मन करता है तुम्हें दो चार थप्पड़ लगा दूं, लेकिन तुम्हें तो हाथ लगाने में मेरी बेइज्जती होती है राजेश, मेरी बेइज्जती होती है। ध्रुवी, ध्रुवी ये क्या किया तुमने? राहुल ये खून मैंने नहीं किया। तुमने इसका खून कर दिया? नहीं मैंने नहीं किया खून इसका, ये ऐसे ही पड़ा था यहाँ। ध्रुवी मैंने तुमसे कहा था मैं सब संभालूंगा, ये 5 लाख रुपए। नहीं राहुल, लेकिन ये पुलिस भी आती है उसको गिरफ्तार करने के लिए। ये क्या किया तुमने? नहीं मैंने नहीं खून किया इसका, ये यही पड़ा था। कौन सुनेगा तुम्हारी ये बात? ये खून तुमने किया है? नहीं। झूठ मत बोलो, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे हाथ में चाकू है, लाश सामने पड़ी हुई है, फिर तुम कह रही हो कि मैं झूठ नहीं बोल रही? नहीं वो मैंने नहीं किया, मुझे नहीं। फिर ये खून किसने किया है? ये खून मैंने किया है। मेरा नाम केदारनाथ है, लोग मुझे केटली के नाम से जानते हैं। लेकिन ये खून तुमने? हाँ, इस राजेश का खून मैंने ही किया है, क्योंकि ये धंधा करने वाले लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था जो मेरे कांटेक्ट में थी। कुछ दिन पहले रीटा नाम की लड़की आत्महत्या कर चुकी है। मुझे पता था कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसे ब्लैकमेल कौन कर रहा है। अब वो तुम्हें भी ब्लैकमेल करने लगा था, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन एक दिन मिस ध्रुवी, ये सीढ़ी तो तुमने देख ली होगी ना? सोचो अगर यही सीढ़ी तुम्हारे घर वालों के हाथ लग जाए तो, और बाई चांस पुलिस के हाथ लग जाए तो, ये बड़ी आसानी से प्रोस्टिट्यूशन का केस बन सकता है। और केस बन गया तो तुम्हारे राहुल पे क्या बीतेगी? तुम अपने राहुल से बहुत प्यार करती हो ना? ए मैडम, कल शाम 5 लाख रुपए लेकर होटल एवर ग्रीन के रूम नंबर 225 में पहुंच जाना। और सुनो, अगर पुलिस से मदद ली या पैसा देने में आनाकानी की तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। उस दिन मैंने सोच लिया कि मैं राजेश को खत्म कर दूंगा। मैं मानता हूं कि मैं भड़वा हूं, लड़कियों से कमीशन लेता हूं, लेकिन मैं शरीर बेचने वाली लड़कियों का दर्द अच्छी तरह से समझता हूं। ध्रुवी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे। मैंने आज तक जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया है। पहली बार मुझे मौका मिला कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर लूं। ध्रुवी को मैं अपनी बहन तो नहीं कह सकता, क्योंकि कोई भी भाई अपनी बहन से धंधा नहीं कराता, लेकिन मैं चाहता हूं कि ध्रुवी का घर बच जाए। मिस्टर केटली, यू आर अंडर अरेस्ट, चलो मेरे साथ। ध्रुवी अपनी शादी में जरूर बुलाना। ऑल द बेस्ट मिस्टर राहुल। थैंक यू सर। कम। अरे अब तो हंसो, वी आर फ्री नाउ, हे कम ऑन चीयर अप, आई लव यू ध्रुवी। तेरा इश्क है मेरी दीवानगी, तेरी आशिकी है मेरी जिंदगी, ना हो ना जुदा मुझसे है हम नशीं।